आ गए अभी जिम पे, और घुमाने आना जा रहा हूँ ऊपर। साढ़े चार हो रहे हैं। ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, काम में जम कर रहे हैं इसमें लोग, क्या काम कर रहे हैं मेरे को। कोई भी नहीं है, रेवंत रेड्डी की बस जा रही फ्री फ्री बस। हेलो गाइस, आज देखो एक बात बोलने वाला हूँ सबको, जितने भी अपने जिम के मेंबर्स है उन लोगों को बोलने वाला हूँ, क्योंकि हर महीना आती कि ये जो टॉपिक है फीस के ऊपर है जिम की, हर महीना आती कि आप लोग जो है फीस नहीं बन रहे टाइम पे। एक तारीख को बनने वाला, 15 तारीख को बन रहा, 28 तारीख को बन रहा, 10 तारीख को बन रहा। तो बोलने का मतलब क्या है बोलते, आप लोग पर्टिकुलरली आ रहे और फीस में आते कि आप डिले कर दे रहे हैं। भाई जिम के हमारा है, हम आधार लेके बैठे हैं, बिल्डिंग हमारी है, हमारी भी तकलीफ समझना। हम आपको इतना ट्रेन कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली पूरा हर चीज़ बता रहे, गाइड कर रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब मैं ओनर है कि भी क्या है, हर इंसान को जो है एक तरह ही देखता हूँ, और मैं आप लोगों से सब लोगों से फ्रेंडली रहता हूँ, वो एक आपको प्लस पॉइंट है। आप लोग क्या है उसका फ़ायदा उठा ले रहे, समझे। अब ट्रेनर नहीं मिल रहा बोल के अब सपोज मेरे को ट्रेनिंग कराना पड़ रहा, आप लोग जो है हर चीज़ को जो है ध्यान रखते हुए टाइम पे फीस भरने की कोशिश करो, समझ गए। अब उससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं बोले तो अब देखो टाइम में आती कि अब मैं रेंट देना रहता, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना रहता, हाउसकीपिंग वाले को देना रहता और मैनेजमेंट वाले को देना पड़ता, ये सब चीज़ें रहते हैं। इसलिए क्या है मैं हर चीज़ आपको बोलते रहता हूँ। ओके चलो बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज देखो मेरे प्री वर्कआउट मिल जो है इसमें अपन डालेंगे 2 से 3 ग्राम नेस्कैफे का कॉफ़ी, देख सकते हैं आप। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं, मालूम ही आप लोग जो चीज़ ईजी है वो ले लेना, 2 से 3 ग्राम ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ओके बस, उसके बाद अपन डालेंगे, ये मैं टेस्ट के लिए लेता हूँ, शुगर फ्री शुगर। आप चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं, टेस्ट होना तो एक स्कूप डाल सकते हैं आप। के साथ है तो केले, एक केले में आपको 110 कैलोरीज रहते हैं। ओके 210 कैलोरीज ले रहा हूँ मैं। ओके प्री वर्कआउट बोलते हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहने वाला है मेरा, इसलिए मैं 200 कैलोरीज ये ले रहा हूँ, हाफ कप कॉफ़ी ब्लैक कॉफी। ओके हेलो गाइस, अभी देखो कार्डियो हो गया, अभी वर्कआउट कार्डियो फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं लेता हूँ इंस्टेंट रिकवरी के लिए वे परफॉर्मेंस पीआर बायोजन का है, नया मॉडल है अभी, रिकवर अच्छा है। 30 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, एस्ट्रेजिन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, इसमें तीन चीज़ें आपको एडेड मिल रही है। ओके एक तो फर्स्ट नंबर 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा ज़्यादा, और एक एस्ट्रेजिन मिल रहा आपको 50 mg, और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिल रहा आपको इसमें 3 ग्राम है। ओके और एक एडेड इसके अंदर आपको BCAA भी है, विटामिन भी है, ये सब चीज़ें आपको मिक्सड मिल रहे हैं, तो फिर आप अलग अलग चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है, एक मिक्स काम हो जाता आपको। ओके ये एक स्कूप ले लेना है पोस्ट वर्कआउट, अभी ये नहीं है आपके पास, एग वाइट भी ले सकते हैं आप। ओके 6 एग वाइट ले लेना, ये नहीं है उसके साथ 200 ग्राम वाटरमेलन। ओके ओके गाइस, आज हम ट्रेन करने वाले बाइसेप ट्राइसेप्स,
क्योंकि आज बाइसेप ट्राइसेप नंबर का वन वीक हो गया। चलो पहले जाके चिन अप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं क्या सेशन कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करेंगे। गाइस इसके बाद देखो इंक्लाइन टंबल कर करेंगे पिक के लिए, पिक थोड़ा वीक है, इसके बाद फुल डेवलपमेंट करेंगे। दोस्तों इसके अपने को लेना है 20 रेप्स, हाई रेप्स रखना है, फेलियर टच करना है पूरा, ओके? है तो अपन फिर जो है पिक पे पूरा हिट नहीं कर सकते। या बड़ी स्लो रेंज ऑफ मोशन, टाइम अंदर टेंशन के साथ करेंगे, ओके? पहले से थोड़ा डेफिनेशन बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी में देख सकते हैं आप, शोल्डर वीक था मेरा रियर लेग, इस पर भी काम कर रहा हूँ अभी। पंप तो ला जाओ, अब वन लाइफ, मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में, ओके? प्रेशर्स डंबल पे, ये बड़ी और रॉड पे से जो है इस पर थोड़ा वेरिएशन चेंज कर दिया अभी, सब रॉड पे करता है। टू थ्री फेलियर टच करो हर सेट में, ओके? फेलियर नहीं टच करे तो बेकार है, टिल स्टिल फेलियर तक जाना है। आप हम देख सकते हैं आप, हाउ डेफिनेशन आएगा रमज़ान तक अपना, क्योंकि रमज़ान में लो कैलोरी डाइट लेते ना, इस हिसाब से थोड़ा बॉडी में और चेंजेस आने के चांसेस है। अभी लीन ही मेंटेन करना है, ओके? चलो सेकंड सेट पे चलते हैं। पंप तो देखो एक नंबर है,
बट मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। जो जितना सिंपल आप चीज़ों को रखेंगे उतना बॉडी बनने में आपको ईजी हो जाता, समझ गए। ज़्यादा चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, जिम से नहीं है, घर पे भी करो कुछ भी ना होता, मसला नहीं है। जिम में करना होगा कुछ भी नहीं, दो डम्बल एक बेंच है तो बस है। और खाने के बारे में बहुत से लोग पूछते रहते हैं, भाई कब खाऊं क्या खाऊं बोल के। देखो घर में जो खाना बन रहा है वो खाओ, उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन फूड ऐड कर दो, क्योंकि अपने इंडियन डाइट में प्रोटीन इंटेक पूरा प्रॉपर नहीं रहता पूरे दिन की जो मील्स लेते हैं अपन उसके अंदर। ओके, तो क्या करते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक दो एग वाइट्स ले लिए, थोड़ा सोया चंक्स ले लिए 50 ग्राम, थोड़ा पनीर ले लिए डिनर में, ख़त्म। छोटे छोटे से बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो, इनफ। आप जब पैसा कमाने लगते, जब अच्छे खासी डाइट लेओ, ज़रूरी नहीं कि यही लेना है पहले बिगिनर से। बिगिनर को जो है ना पहले बेसिक डाइट पे रहना है, क्योंकि उन्हें जो है अब समझ रहा हूँ मैं, अच्छी डाइट लिया तो 3 महीने में बॉडी बन जाती होगी। आप कितनी भी अच्छी ले लो, रॉनी कोलमैन की डाइट भी खा लिया ना तो बिगिनर उसको रिजल्ट नहीं आता। रॉनी कोलमैन के जेनेटिक्स अलग है, उसकी सालों की मेहनत अलग है। अपन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आप दाल खाना, चावल, अंडे, पनीर, चीज़, बटर, घी, मैं बोलते रहता हूँ ना आप हमेशा ये चीज़ों पे फोकस करो बोल के। मैं जब स्टार्टअप कर रहा था मेरे पास 100 रुपीज़ रहते थे, 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहा था, 100 से जाके आज मैं 200-300 की डाइट लेता हूँ हर दिन, समझ गए। तो बोलने का क्या है मकसद पूरा बोले तो, आप पूरा प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो डाइट बोलता हूँ उसमें से 50% भी लिया तो आपको रिजल्ट आता 100%। ओके, चलो हम पूछ रहे थे कि अपन रमज़ान में कैसा डाइट मेंटेन करना बोल के। रमज़ान में देखो आप जितना चीज़ों को बेसिक रखेंगे उतना आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। रमज़ान में आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते और किसी से कंपटीशन नहीं है, आप बेसिक डाइट पर रहो डेली। आपको जैसा कि सपोज़ आपको 24 आवर्स में 3000 कैलोरीज होना है, ओके, अब तो क्या करना आपको, जब थोड़े 3 मील्स में डिवाइड कर देना उसको। एक हो गया आप रोज़ा खोल लिए, उसके बाद आप जाके एक शेक पी लिए आफ्टर नमाज के बाद, शेक पी लेना 1000 कैलोरीज का। उसमें डालना है आपको 1 कप ओट्स, 2 बनाना, 32 ग्राम पीनट बटर और 1 स्कूप वे प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है तो वो शेक में 4 आइटम डाल देंगे, और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं आप। ज़्यादा वेट है वाटर लेना है उन लोगों को, अब ज़्यादा स्किनी है सपोज़ मेरे से के है थोड़ा बहुत मस्कुलर, उन लोगों के वास्ते आप मिल्क, 2 बनाना, पीनट बटर, 1 कप ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन, ये पूरों को मिक्सर में डाल के शेक बना के पी लेना है रोज़ा खोलने के बाद, नमाज के बाद। उसके बाद आप तरावियाँ वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ लेने के बाद फिर एक अब डिनर में रोटी, घी, चावल जो भी है वो ले सकते हैं। उसके बाद 12 बजे के बीच में फिर ये सेम शेक रहता है आपका, समझ गए। उसमें शेक में वो वे प्रोटीन नहीं है तो अंडे ऐड कर दो आप, 6 एग वाइट्स ले लो। ओके, मेरा रमज़ान की मील्स मैं आपको एवरीडे अपडेट देते रहता हूँ क्या क्या ले रहा हूँ पूरे दिन में। ओके चलो, और अभी 2 एक्सरसाइज है करके फिनिश कर देंगे। देखो गाइस, मैं वीडियो बनाने के से शूट नहीं करता, मैं जो वर्कआउट करता हूँ वही आपको बताता हूँ। ओके, वर्कआउट करते करते मैं आपको वीडियो बना देता हूँ, हाल ना कि अपन वीडियो करके वीडियो बना के शूट वो शो ऑफ करना नहीं आता। जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ प्रॉपरली वही आपको बता रहा हूँ। ओके, पिता उठा सकते, उठाओ मैक्स। मैं तो गैस स्लोली स्लोली मार रहा हूँ, काल थोड़े कम लिया था। 1st फेलियर है, देखो फेलियर सेट में हम लगाएंगे अभी रोप पे। ओके, ट्राइसेप पुश डाउन विथ रोप। ये ज़्यादा डेफिनेशन के लिए बहुत बेटर, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। ट्राइसेप में
डेफिनेशन लाना है। मतलब यूँ मारते रहते, ये नहीं करना है आपको, ये रुका के पूरा खींचना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
फट गई इसमें तो फिर ब्लास्ट होगा इसमें शोल्डर ट्राइसेप सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं आप भी ट्राई करके देखो ज़्यादा बॉडी को जग ना करो हिलाओ मत ये जो एक जगह रख के स्टेबल रख के बॉडी और उसको सही तरीके में मानने की कोशिश करो वेट पे मत जाओ वेट पे देंगे तो आपका पोस्चर चेंज हो जाता आपकी बॉडी हिलना झुलना हो जाती है सो यूँ करते हैं फिर आगे पीछे ओके चलो सेकंड सेट लगाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन फिफ्टीन ओह माय गॉड वन लाइफ मत पड़ो चक्कर में कोई भी नहीं टक्कर में चलो करो हेलो गाइस अभी वर्कआउट पूरा फिनिश हो गया देखो कि मैं हमारे छोटे साहब भाई साहब शेख मेरे को क्या बोलते ड्रैगन जूस लेके आए थे इसको मैं नहीं पिया था इसलिए कि मैं प्री वर्कआउट में ले लिया था मेरी तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ आफ्टर पोस्ट वर्कआउट में ले रहा हूँ एक स्कूप वे प्रोटीन के साथ आप पानी में ले सकते ओके अभी मैं इसका शेक बना के पीऊँगा ब्लेंड करेंगे मिक्स हो गया प्रॉपरली पीएंगे अभी खत्म करेंगे थक गया अलग ट्रेनिंग करा करा के ट्रेनर अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है अपने जिम में ट्रेनर रहता है अपन को थोड़ा मेहनत करना है ज़्यादा रात में कार्ब्स लोड मत करो आपकी मसल की क्वालिटी डाउन हो जाती है हाई प्रोटीन डाइट रखो जितना आप हाई प्रोटीन डाइट रखेंगे उतना आपकी मसल में क्वालिटी आती है एक नंबर है